तुझे पैदा करने का हिसाब, पैदा करते वक्त दर्द सहने का हिसाब, तू जब रोता था तब तेरे पीछे रात रात भर जागने का हिसाब, तुझे सूखे में सुलाकर खुद गीले में सोने का हिसाब, तुझे बोलना सिखाने का हिसाब, तुझे चलना सिखाने का हिसाब, तुझे नहाना सिखाने का हिसाब, तुझे धोना सिखाने का हिसाब, तेरी हड्डियों को मालिश कर करके मजबूत बनाने का हिसाब, राखी बहन से मिन्नत कर करके भीख मांग के उनके सामने गिड़गिड़ा के तेरी शादी करवाने का हिसाब, अपना स्त्री धन बेचकर तेरी इंगेजमेंट रिंग लेने का हिसाब, और सबसे ज्यादा तो तेरे पिताश्री से हजारों बार तेरे लिए गालियां खाने का हिसाब, तुझे रात रात भर जाग जाग के कॉपी देने का हिसाब, तू पढ़ाई के लिए जागता था तब मैं भी तेरे साथ जागती थी उसका हिसाब, सारी चीजें जो मैंने तेरे लिए की है बाहर वाले आके सुनाते थे, सब लोग सुनाते थे उसका हिसाब, हर चीज का तुझे अमरीका भेजने के लिए लड़ने का हिसाब, हर एक से तेरे लिए लड़ने का हिसाब, नहीं मेरा बेटा होना रहे उसके लिए लड़ने का हिसाब, हर चीज का हिसाब, हर चीज का हिसाब, हर चीज का हिसाब, हर चीज का हिसाब। ये तो बस इतना सा हिसाब है, तू बस इतना ही हिसाब चुका दे बेटा तो काफी होगा, पर यही हिसाब चुकाने में तेरी पूरी की पूरी दुनिया 10 बार बिक जाएगी, और अब तक तो मैंने अपनी ममता का कॉम्पेंसेशन ही मांगा नहीं है तुझसे, अगर उसका हिसाब लगाने बैठ गई तो तेरी बदतमीजी का, तेरी हर गिरी हुई हरकत का, तेरे पीछे बहाए हर आंसू का, तेरे लिए की गई हर प्रार्थना का, तुझ पर लुटाई गई मेरी ममता का हिसाब तो तू क्या करेगा तोसू, दे पाएगा? अरे ममता का मोल तो खुद कान्हा जी भी नहीं चुका पाए थे, तो तेरी तो औकात ही क्या है, तो बस ये लेस चुका दे तो मैं तुझे मान जाऊं, कितनी सारी चीजें तो मुझे याद तक नहीं है, जो थोड़ा बहुत याद था वो मैंने लिख दिया, देख लेना, और तुझे हर चीज का अच्छी तरह से मोल लगाने आता है ना, दाम लगाने आता है, तो चल लगा, ये सब का दाम तू ही लगा और एक टोटल करके मुझे भेज देना। क्या हुआ, पसीना क्यों आ गया, कहीं तेरी समझ में ये तो नहीं आ गया कि इस माँ का कर्जा तू क्या, तेरे पिताश्री भी नहीं चुका पाएंगे, चाहे तो 10 जन्म ही क्यों ना ले ले, कोई भी औलाद अपनी माँ का कर्जा किसी भी जन्म में नहीं चुका पाएगी। अने सांभळा छोकरा, वो जो $250,000 मैंने जीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, तो उन पैसों का चाहे जो करूं मैं करूंगी, मैं तय करूंगी और कोई नहीं। और तू शिकायत कर रहा था ना कि मां होकर बेटे की मदद नहीं करती, तो चल करती हूं तेरी मदद, देती हूं तुझे नौकरी, औलाद कितनी ही नालायक क्यों ना हो, मां नालायक नहीं हो सकती, मां मां होना नहीं छोड़ सकती, इसलिए परितोष शाह मैं तुझे नौकरी दूंगी, चाहिए तो बोल, अब क्या नौकरी, कौन सी नौकरी ये सब मत पूछना, नौकरी चाहिए तो बोल, वरना काम के लिए तो हजारों लोग भटक रहे हैं, सोच के बता देना, और हां इस लिस्ट के साथ
एक मुफ्त की सलाह भी दे रही हूं। ध्यान रखना, छोटा दिमाग और छोटी सोच के साथ लोग बड़े सपने तो देख सकते हैं लेकिन उन्हें पूरा कभी भी नहीं कर सकते। गुड नाइट।